आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हरे मटर की बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी चटपटी नमकीन बनाने की रेसिपी। तो नमस्ते दोस्तों, वीएस किचन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। और हाँ फ्रेंड्स, रेसिपी को पूरा देखिएगा, बहुत ही फटाफट झटपट टेस्टी नमकीन बनने वाली है। तो चलिए, यहाँ पे देखिए मैंने ये फ्रेश मटर लिए हैं, इनको मैंने छील लिया। यहाँ पे 1 किलो मटर लिया है हमने, इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। और इन्हें आप चाहे तो जो हमारे ड्राई मटर होते हैं उनकी भी बना सकते हैं। तो हम लेंगे यहाँ पे कढ़ाई, और कढ़ाई या पैन जो भी आप लेना चाहें, हमने इनको बॉईल करना है। तो यहाँ पे 2 गिलास मैंने पानी डाल दिया इसमें। देखिए पानी हमारा जो है अच्छे से गर्म हो गया। इसमें 1/2 चम्मच डाल दिया है हमने नमक, और इसे मिक्स कर देंगे तो पानी में उबाल आ जाए। उसमें नमक डाल के आप उसमें डाल देंगे मटर, और हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का सा नमक डाल के इनको 5 मिनट तक बॉईल करना है। इससे ज्यादा बॉईल नहीं करना है, बस हल्के से सॉफ्ट हो जाए ये। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, और इनको ढक के नहीं उबालना है, खुला ही उबालना है इसको। तो देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं, अभी हम देखेंगे। तो एक मटर को निकाल के प्रेस करके और फुल फ्लेम रखें यहाँ पे। देखिए ना तो इनका कलर चेंज हुआ है, बिल्कुल हरे वैसे ही फ्रेश मटर है हमारे। तो देखिए ये बढ़िया से फूल गए हैं। तो इनका एक दाना हम उठा के देखेंगे। तो देखिए बिल्कुल ऐसे होने चाहिए मटर, इतने ही बॉयल होने चाहिए। तो अब हम इनका पानी निकाल के इनको छान लेंगे। तो देखिए मैंने मटर जो है उनका पानी निकाल दिया, इनको मैंने छलनी में छान लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें सुखा लेंगे। सुखाना ऐसे नहीं कि 2 दिन सुखाना या धूप में सुखाना है। तो देखिए कॉटन का कपड़ा लेंगे और उस पर हम ये मटर जो है इनको अच्छे से फैला देंगे, और इसे हम सिर्फ 1 घंटे के लिए छोड़ेंगे फैला के। आप चाहे तो पंखा चला के भी छोड़ सकते हैं। तो देखिए 1 घंटा हो गया, 1 घंटे के बाद जो है मटर हमारे इतने सूख जाने चाहिए कि हमारे जब हम हाथ लगाएं उन पे पानी नहीं लगना चाहिए हाथों पे। तो इतनी देर देखिए हमने तेल गरम कर दिया, यहाँ पे हम करेंगे मसाला रेडी। तो यहाँ पे 1/2 चम्मच लिया हमने नमक, 1/2 छोटी चम्मच लिया है काला नमक, और 1/2 चम्मच लिया है लाल मिर्च, और ये 1/2 चम्मच लिया है हमने काली मिर्च का पाउडर, और 1 चम्मच लिया है अमचूर पाउडर, और थोड़ा सा लिया है हमने चाट मसाला। ये सारे मसाले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही झटपट से ये मसाला बन के रेडी हो जाता है। आप कोई भी स्नैक्स या नमकीन बनाए उस पर ये डाल सकते हैं। तो लीजिए यहाँ पे हमने मटर अच्छे से सुखा लिया, इनको हम इस तरह से किसी छलनी में डालेंगे। और तेल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, डायरेक्ट सीधा तेल में मटर ना डालें, क्योंकि मटरों में जो है नमी है थोड़ी बहुत। तो आप छलनी में डाल के इस तरह से छोड़ दे, गैस की फ्लेम फुल हो, और आप ये छलनी डाल के थोड़ा सा पीछे हट जाए, ताकि मटर क्या है ना, कई बार फट जाते हैं, ये नमी होती है अंदर से, गीले होते हैं। तो देखिए छलनी को थोड़ा सा पीछे हो जाए। तो अब हम चम्मच के साथ ही नहीं ला देंगे, ताकि अच्छे से सारे मटर जो है फ्राई हो जाएं। तो एकदम सीधा कढ़ाई में ना डालें, इस तरह किसी छलनी की सहायता से आप मटर को फ्राई कर लें। गैस की फ्लेम को फुल रखें। तो देखिए मटर जो है हमारे फ्राई हो रहा है, जैसे जैसे ये सिकते जाएंगे तो झाग बन रहे थे, बबल्स बन रहे, वो कम हो गए। इसका मतलब ये है कि हमारे मटर अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं। तो लीजिए ये बिल्कुल रेडी है, इन्हें हम निकाल लेंगे कढ़ाई से बाहर। इन्हें लगभग 5 से 7 मिनट लगे हैं, तो इन्हें हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर पे आ जाए। तो इसी तरह से मैं दूसरा बैच भी फ्राई कर लूंगी। तेल ठंडा नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो मैंने ये सारे मटर फ्राई कर लिए हैं, इनको हम निकालेंगे एक बाउल में। और जब भी आप इन पे मसाला डालें तो ये मटर गर्म होने चाहिए, ठंडे मटर पे ना डालें। तो ये जो हमने मसाला रेडी कर लिया था वो ऊपर से हम इस पे डाल देंगे, जितना भी आप कम ज्यादा स्पाइसी खाना चाहते हो। कई बार मसाला कम पसंद होता है, तो इनको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए कितनी झटपट से हमारी टेस्टी क्रिस्पी स्पाइसी मटर नमकीन बनके रेडी है, और वो भी फ्रेश मटर से। मटर तो बहुत आ रही है सर्दियों में, तो आप झटपट से लेके बना सकते हैं, और इन्हें आप स्टोर करके रख सकते हैं बिल्कुल आराम से एयर टाइट कंटेनर में। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में देखिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप उसे देख पाए। कमेंट करके बताइएगा आज की रेसिपी कैसी लगी। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।